तो अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं व्हाइट हाउस की तरफ। कभी मैंने सोचा नहीं था हमें ऐसे भागना पड़ेगा गलियों में मेट्रो पकड़ने के लिए। तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, और आज हम लोग हैं वाशिंगटन डीसी में, और ये है पीछे वाशिंगटन डीसी का मैप, और यहाँ पे सब चीज़ें इन्होंने दिखाई हुई हैं क्या क्या चीज़ें घूमने के लिए। विच इज़ योर फेवरेट प्लेस इन वाशिंगटन डीसी राइट नाउ? या आई नीड टू गो देयर नाउ, इट्स कॉल्ड द टॉयलेट। तो मिस्टर टेरी का टॉयलेट प्लेस है जो मतलब सबसे फेवरेट है। Yeah, I have to go. So Mr. Derek जाने वाले हैं टॉयलेट में। उससे पहले हम लोग फटाफट से आप लोगों को बता देते हैं कि क्या-क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। The National History Museum and the Air and Space Museum. Air and Space Museum, where? Because see, there's one here downtown, mm-hmm. and then the one we're going to go to way out in the country in Virginia. तो अभी हम लोग जाने वाले हैं पहले एयर एंड स्पेस म्यूजियम वर्जीनिया में, क्योंकि यहाँ का जो एयर एंड स्पेस म्यूजियम भी है यहाँ पे वॉशिंगटन में, बट इट्स क्लोज राइट? दिस वन इज क्लोज। तो ये क्लोज्ड है, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है एयर एंड स्पेस म्यूजियम जो के है वर्जीनिया में। यहाँ से 20-25 मिनट की ड्राइव है, हम लोग वहाँ जाएंगे, और वो वहाँ पे रखा हुआ है दुनिया का सबसे छोटा प्लेन, वो आप लोगों को दिखाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे दोबारा वॉशिंगटन डीसी में और घुमाते हैं आपको वॉशिंगटन डीसी। तो यहाँ पे बाथरूम ढूंढना बहुत मुश्किल हो रखा है, ये बहुत दूर है। कैन यू होल्ड? I'm trying. अभी हम लोग 15 मिनट से चल रहे हैं, हम लोग बाथरूम ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँच गए हैं, वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट। मिस्टर डेरिक को इतनी ज़्यादा इमरजेंसी है क्योंकि हमने यहाँ पे एक लॉ ब्रेक कर दिया है बाथरूम के लिए। तो ये था भैया बाथरूम, और मैंने भी यूज़ कर लिया लगे हाथों। मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि इतनी दूर बाथरूम है। मिस्टर डेरिक की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, और यहाँ पर खड़े हुए मिस्टर डेरिक, आर यू ओके नाउ? या एवरीथिंग्स फाइन। अभी हल्की हल्की दो चार बूंदे पड़ी हैं हमारे ऊपर, तो लगता है बारिश स्टार्ट होने वाली है यहाँ पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी कार की तरफ जहाँ पार्क की हुई है, वहाँ से हम लोग ड्राइव करके जा रहे हैं जो आप लोगों को बताया है एयर एंड स्पेस म्यूजियम, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं। तब तक हो सकता है कि बारिश वगैरह होके ख़त्म हो जाए और सनी हो जाए, तो फिर उसके बाद हम लोग आपको दिखाते हैं वॉशिंगटन की व्यू। Ticket dispenser. Pay at the pay station before returning to your car. ये जो म्यूजियम है ये है वर्जीनिया में, शेंटली ये सिटी का नाम है। यहाँ पे है वो प्लेन जो हम लोग देखने के लिए आए थे, ये है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट प्लेन बाय प्लेन। मतलब यार कितना छोटा सा है, पता नहीं कैसे उड़ता होगा, बट इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनमें से आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ मैं। ये इसके बारे में लिखा हुआ है, फिलहाल हम लोग आ गए हैं बाहर म्यूजियम से, और अब हम लोग जा रहे हैं सीधा मेट्रो पकड़ के डाउनटाउन वाशिंगटन डीसी। डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। मतलब जब भी मैं वाशिंगटन डीसी गया हूँ ना, मैं हमेशा अपनी कार से गया हूँ, दो बार आया हूँ, मतलब हमेशा वैसे बोल रहा हूँ जैसे रोज आता हूँ, मैं दो बार वाशिंगटन डीसी आ चुका हूँ। दोनों बार मैंने पूरा कार से ट्रैवल किया था सब जगह पे, बट फर्स्ट टाइम मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ मेट्रो से ट्रैवल करके कि मेट्रो में कितना ज़्यादा चार्ज लेते हैं, और कैसे आप सब जगह पे मेट्रो से ट्रैवल कर सकते हैं। और इस जगह पे भी है ना बस आती है, अगर जैसे आप वाशिंगटन डीसी में हैं और आप ये यहाँ पे आना चाहते हैं, तो वाशिंगटन डीसी से आप बस पकड़ के यहाँ पे आ सकते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सब मिलेगी जो बसेस चलती हैं उस पे, और मैं आई थिंक नेक्स्ट या नेक्स्ट वीडियो में आपको जितना भी बस का सिस्टम है मैं वो सब यहाँ पे बता दूंगा कि कैसे चलता है। अभी फ़िलहाल मैं आप लोग को बताऊँगा यहाँ पे जो मेट्रो का सिस्टम है, और मेट्रो को यहाँ पे ज़्यादा सबवे के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ की जो मेट्रो है मैं उसमें पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, इससे पहले मैं न्यूयॉर्क में ट्रैवल कर चुका हूँ। यहाँ पे इन्होंने पूरा मैप दिया हुआ है कि कौन कौन सी मेट्रो कहाँ जा रही है। ये जो आप कलर देख रहे हो ना, ये सब अलग अलग मेट्रो है। तो अभी हम लोग वीडियो बना रहे थे, तो जो बंदा मेट्रो स्टेशन पे काम करता है उसने आके
बड़ी अच्छी तरीके से बताया उसने, बोला आप वीडियो में आप पूरी मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन दो कि अगर लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बहुत अच्छे जनाब थे। तो उन्होंने बताया यहाँ पे दो तरीके के फेयर हैं, एक नॉर्मल फेयर है, एक पीक फेयर है। जो पीक आवर्स हैं उन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो पीक आवर्स हैं वो मॉर्निंग में है 9:30, मतलब जब भी ये ओपन होती है तो 9:30 AM तक सुबह अगर आप लेते हो तो पीक आवर्स है, और उसके बाद शाम को 3 बजे से लेके 7 बजे तक पीक आवर्स है। तो उस टाइम जो है आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज लेंगे, और बाकी जो भी टाइम है उस टाइम कम चार्ज है। तो अभी डायरेक्ट और मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग वो वहाँ पे हो सकता है बहुत ज़्यादा हमें मेट्रो चेंज करनी पड़े, तो हम लोग यहाँ पे एक फुल डे पास भी होता है, तो वो फुल डे पास की कॉस्ट है $13 और प्लस $2 जो है उसकी कार्ड की कॉस्ट है, तो $15 वन डे। बड़ी तेज आवाज़ आ रही है, पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही नहीं आ रही, बट ये कोविड के बारे में बोल रहे हैं कि फेस मास्क को रखो, तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि $13 प्लस $2 $15 लगेंगे, और एक दिन आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो। तो मेट्रो का जो सफ़र है वो स्टार्ट हो गया है, और हम लोग अभी हैं वर्जीनिया में, और ये जो मेट्रो है ये एक स्टेट से दूसरा स्टेट क्रॉस करके जाएगी Washington DC में। और जैसे मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली की जो मेट्रो है उसके अंदर कारपेट वगैरह है नहीं, तो मुझे ये लग रहा है इधर सीट भी कुशन वाली सीट है ये, और कारपेट बिछा हुआ है, ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा है, बाकी अदरवाइज़ पूरी मेट्रो जैसे दिल्ली मेट्रो है वैसी मुझे लग रही है। अगर आप लोगों ने कभी दिल्ली मेट्रो से सफ़र किया है तो आप लोगों को पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। और अभी मेट्रो है अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट पूरी खाली है, 4-5 लोग हम लोग बैठे हुए हैं काफ़ी डिस्टेंस पे, तो इसलिए मैंने मास्क है जो हटा दिया। मिस्टर डायरेक्ट वहाँ बैठे हुए हैं और नज़ारे ले रहे हैं। अभी हम लोग आ गए हैं कहीं अंडरग्राउंड से जा रही है ये मेट्रो, और अभी मैंने चेक किया है ये यहाँ पे है फ्री वाईफाई। पहुंच गए हैं हम लोग Washington DC में, अभी मेट्रो स्टेशन के अंदर ही हूँ। यार क्या नज़ारा है मेट्रो स्टेशन का, बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। मिस्टर डेरिक लेके आए हैं एक स्पेशल चीज़ दिखाने के लिए, और वो चीज़ मैं देख के हैरान हो गया हूँ, अब आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो देख रहे हो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये इतना बड़ा एक्सीलेटर है, चलो इससे चलते हैं, पता नहीं कितने मिनट लगेंगे इसको क्रॉस करने के लिए। तो मैंने सोचा है कि मैं वीडियो को एंड ही नहीं करता, देखता हूँ कितना टाइम लगता है ऊपर जाने में। ऑलमोस्ट 2.5 मिनट लगे हैं यहाँ पहुँचने में। तो हम लोग आ गए हैं बाहर, और हम लोग जा रहे हैं व्हाइट हाउस की तरफ, हल्की हल्की बारिश आ रही है, बट हम लोग यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे एक फिंस बनाई हुई है, और इस फिंस के ऊपर इतने सारे लोगों की फ़ोटो लगी हुई है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक लाइव्स मैटर। तो ये जो फिंस हैं उस तरफ देखो कितने सारे पोस्टर लगाए हुए हैं, उसके साथ में ये यहाँ पर भी वॉल पे लगाए हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने स्पेशल एक वॉल बनाई हुई है, और सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर रहे हैं, और जो ब्लैक लाइव्स मैटर का है उसके बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस तरीके से दिखा रहे हैं। ये देखो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक लाइव्स मैटर। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। ये है मेरे पीछे व्हाइट हाउस, आप लोगों को दिख रहा है, एक्चुअली मैंने मोबाइल से ना लाइट दी हुई है फेस पे, नहीं तो यहाँ पे पूरा अंधेरा किया हुआ है, और हल्की हल्की बारिश आ रही है, वो मिस्टर डेरिक वहाँ से देख रहे हैं, और 2-4 लोग यहाँ पे हैं, बाकी लोग सब बारिश में भाग गए। बट हम लोग आए हैं आप लोगों को स्पेशल व्हाइट हाउस दिखाने के लिए रात को, तो ये वीडियो को लाइक करना बनता है, कितने ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा हूँ मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखाने के लिए। तो अभी इन्होंने क्या किया हुआ है आप लोगों को पता है, जो ब्लैक लाइव्स मैटर का प्रोटेस्ट चल ही रहा है अभी भी फ़िलहाल, ये यहाँ पे भी फ्लैग लगा हुआ है और लिखा हुआ है ट्रंप, और उसके ऊपर ऐसे बैन का साइन लगाया हुआ है, और इन्होंने एक ये फिंस यहाँ पे लगाई हुई है कि लोग उधर पास तक ना जाएं, बट पास में तो बहुत ही बड़ी फिंस है,
फिर भी उसके बाद यहाँ से एटलीस्ट देखने दे रहे हैं, ये भी बहुत है। तो हम लोग दिन में कोशिश करेंगे आने की। अभी मैं देख रहा हूँ बारिश यार बढ़ती जा रही है, अभी हम लोग निकलते हैं। तो बारिश हो गई है तेज, हम लोग भाग रहे हैं, ऑलमोस्ट आधे हम लोग भीग चुके हैं। रास्ते में हमने देखा मैकडोनल्ड, तो हम लोगों ने मैकडोनल्ड से फूड पैक करा लिया है। और आपको मैं सही बता रहा हूँ, अभी हम लोग जा रहे हैं मेट्रो पकड़ने के लिए, और ये लास्ट मेट्रो है, कह रहे हैं 20 मिनट में निकल जाएगी। तो देखते हैं हम लोग 20 मिनट में मेट्रो स्टेशन पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते। कभी मैंने सोचा नहीं था हमें ऐसे भागना पड़ेगा गलियों में मेट्रो पकड़ने के लिए।